दोस्तों ये तो देखो आयरन मैन कौन सी गाड़ी लेके आए हैं, लैम्बोर्गिनी सियान। क्या ही शानदार और बवाल लग रही है, एकदम ओपी लग रही है। तो हमारे आयरन मैन ने ये चैलेंज स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि आयरन मैन क्या हल्क को पीछे कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक खाली हल्क ही है जो सबसे आगे गया है। हल्क जीतेगा ये रैम चैलेंज, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं सबको मार दूंगा। अरे हल्क लगता है तू आयरन मैन को भूल गया है, ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। नहीं, ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। ओहो फ्रैंकल भैया, ये एवेंजर्स तो बहुत ही लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रैम चैलेंज कौन जीतेगा फ्रैंकल भैया? अरे शिनचैन मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सब एवेंजर्स एकदम जोश में लग रहे हैं, कौन जीतेगा मैं नहीं बता सकता। ओहो फ्रैंकल भैया, मैं हमारे व्यूअर्स से पूछता हूँ कि कौन जीतेगा। ओहो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं मेगा रैम चैलेंज, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा एवेंजर्स ये रैम चैलेंज जीतने वाला है? ओहो दोस्तों, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओहो फ्रैंकल भैया, तो चलो ये मेगा रैम चैलेंज स्टार्ट करते हैं, आप फटाफट से हमारे व्यूअर्स को ये मेगा रैम चैलेंज दिखा दो और सब कुछ रूल्स भी समझा दो। हाँ सिंचन तूने सही बोला, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये मेगा रैम चैलेंज। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे खड़े एवेंजर्स यही आज करने वाले हैं ये मेगा रैम चैलेंज। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से हमारे एवेंजर्स को ये मेगा रैम चैलेंज स्टार्ट करना होगा और फिर ये पूरा रैम कंप्लीट करना होगा। रैम कंप्लीट करने के बाद ये दो जो लावा गॉड दिख रहे हैं इनके बीचों में से निकलना होगा, और इन दोनों बीचों में से निकलने के बाद जो सबसे आगे जाएगा वही होगा आज का विनर। और गाइस ये देखो ये है आज का सरप्राइज, जो भी ये मेगा रैम चैलेंज जीतेगा उसको मिलेगा ये गोल्डन प्लेन और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सोना। तो आइए देखते हैं कौन जीता ये मेगा रैम चैलेंज। ओहो फ्रैंकल भैया, आपने हमारे व्यूअर्स को सब कुछ समझा तो दिया है ना? हाँ सिंचन मैंने सब कुछ बता दिया है, और मैंने ये भी बता दिया है कि जो भी ये मेगा रैम चैलेंज जीतेगा उसे मिलेगा एक गोल्डन प्लेन और बहुत सारा पैसा सोना चांदी, जिसे मिलने के बाद वो माला माल हो जाएगा। ओहो ठीक है फ्रैंकल भैया। तो गाइस ये मेगा रैम चैलेंज स्टार्ट करने के लिए आ चुके हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट जो है हल्क के बड़े भाई बल्क। और छोरे कैसा लग रहा हूँ, ठीक तो लग रहा हूँ ना? ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा और मैं ही वो गोल्डन प्लेन और पैसा लेके जाऊंगा अपने घर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हल्क के बड़े भाई को खुद पे बहुत ही विश्वास है और इन्हें लगता है कि ये मेगा रैम चैलेंज यही जीतने वाले। तो चलो गाइस हमारा मेगा रैम चैलेंज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखो इनकी गाड़ी तो बहुत ही शानदार है, पर देखना ये होगा कि ये मेगा रैम चैलेंज ये जीत पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बल्क भैया ने ये मेगा रैम चैलेंज स्टार्ट कर दिया है और ये धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत ही तेजी से जा रहे हैं। अरे सिंचन ये तो बहुत ही तेजी से जा रहा है, क्या लगता है ये चैलेंज ये जीत पाएगा? तो दोस्तों देखते हैं क्या ये चैलेंज ये बल्क जीत पाएगा। तो ये बल्क ने छलांग लगा दिए, पर ये क्या बल्क तो यहीं पे ही ढेर हो गए और ये तो पानी के उस पार भी नहीं जा पाए। दोस्तों ये तो बहुत ही बुरा हुआ बल्क के साथ, बल्क भाई आपकी तो बहुत ही बुरी किस्मत थी। ओहो दोस्तों हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं हल्क भैया, अब देखते हैं क्या हल्क भैया ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों हल्क ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और वो ये रैम चैलेंज करने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि ये अपने बड़े भाई बल्क से आगे जा पाते हैं कि नहीं। ये बहुत ही तेजी से जा रहे हैं। सिंचन तुझे क्या लगता है हल्क ये चैलेंज जीत पाएगा? ओहो फ्रैंकल भैया कुछ बोल नहीं सकते, वैसे तो हल्क भैया बहुत ही ताकतवर है लेकिन ये रैम चैलेंज भी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अरे फ्रैंकल भैया ये देखो हल्क भैया ने कितनी ही लंबे छलांग मार दी है और ये क्या, ये तो लगता है पानी में ही गिर जाएंगे। फ्रैंकल भैया हल्क भैया तो पानी में गिरने जा रहे हैं और ये गिर गए। अरे हल्क भैया तो पानी में ही गिर गए। चलो कोई बात नहीं हल्क भैया, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना। गाइस हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, जी हाँ टाइम के देवता जो टाइम के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुत्ता बिल्ली बना सकते हैं और टाइम को चेंज कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या बल्क और हल्क को हरा पाएंगे और उनसे आगे निकल पाएंगे। ओहो फ्रैंकल भैया जिस रफ्तार से डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहे हैं मुझे तो लगता है वो हल्क भैया को और बल्क भैया को पीछे ही छोड़ देंगे। देखो तो सही कितनी तेजी से जा रहे हैं और ये इन्होंने छलांग लगा दी है, पर ये क्या, ये लगता है ये तो हल्क भैया से भी पीछे रहने वाले। अरे ये क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो गाड़ी में से ही छलांग लगा ली और अपना पैराशूट खोल दिया। अरे डॉक्टर साहब ये आपने क्या किया, ये तो आप कुछ नया ही लेके आए। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये रैम चैलेंज पूरा नहीं कर पाए।
तो अब हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं एंटमैन। जी हाँ, जो छोटा भी हो सकते हैं और बड़ा भी हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये सबको हरा के ये गोल्डन प्लेन और बहुत सारा पैसा लेके जा पाएंगे। चलो देखते हैं दोस्तों। ओहो फ्रैंकलिन भैया, ये तो देखो एंटमैन भैया तो बाइक लेके आए हैं। सब लोग तो कार लेके जा रहे थे पर एंटमैन भैया तो बाइक लेके आए हैं। क्या लगता है ये रैम चैलेंज जीत पाएंगे? अरे सिंचन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि बाकी लोग कार में नहीं कर पाए तो एंटमैन बाइक में कहां से कर पाएगा। लेकिन कोई नहीं, चलो देखते। और ये एंटमैन ने छलांग लगा दी है, पर ये क्या, एंटमैन तो घूमते ही जा रहे हैं, इनकी बाइक तो कहां गिरने वाली है, ये तो गोल गोल घूम रहे हैं। अरे एंटमैन तुम कहां जा रहे हो? अरे बेचारा एंटमैन बहुत ही खतरनाक लगी होगी सिंचन एंटमैन को तो। ओहो फ्रैंकलिन भैया, एंटमैन भी ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। अब क्या लगता है स्पाइडरमैन भैया ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे और सबसे आगे जा पाएंगे और ये गोल्डन प्लेन और बहुत सारा पैसा जीत पाएंगे क्या? अरे सिंचन ये तो तभी पता चलेगा जब स्पाइडरमैन ये रैम चैलेंज पूरा कम्प्लीट करेगा। तो क्या लगता है सिंचन, स्पाइडरमैन ये रैम चैलेंज पूरा कर पाएगा? तो दोस्तों स्पाइडरमैन निकल चुका है और ये बहुत ही सावधानी से जा रहा है क्योंकि बाकी लोग अभी तक कोई भी ज्यादा आगे जा नहीं पाया है क्योंकि सबसे आगे तो अभी तक खाली हल्क गया है। क्या लगता है स्पाइडरमैन हल्क को पीछे छोड़ के ये एरोप्लेन और बहुत सारा पैसा लेके जा पाएगा? और दोस्तों ये देखो स्पाइडरमैन ने छलांग लगा दी है। और ये क्या, स्पाइडरमैन तो बेचारे बहुत ही पीछे रह गए हैं। क्या लगता है ये नदी में गिरेंगे या बाहर गिरेंगे? अब ये नदी में गिरे। अरे सिंचन यार, हल्क से तो कोई आगे जा ही नहीं पा रहा है, बेचारा स्पाइडरमैन भी पानी में गिर गया। अरे स्पाइडरमैन भैया फटाफट पानी से बाहर निकलो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अरे सिंचन अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाओ। ओहो दोस्तों, तो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं आयरन मैन। ओहो फ्रैंकलिन भैया, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। ओहो दोस्तों, अगर आपको आयरन मैन पसंद है तो कमेंट में लव यू 3000 लिख देना। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या आयरन मैन भैया हल्क भैया को पीछे छोड़ देंगे और इस मेगा रैम चैलेंज को जीत पाएंगे। अरे दोस्तों ये तो देखो आयरन मैन कौन सी गाड़ी लेके आए, लैम्बोर्गिनी सियान, क्या ही शानदार और बवाल लग रही है, एकदम ओपी लग रही है। तो हमारे आयरन मैन ने ये चैलेंज स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि आयरन मैन क्या हल्क को पीछे कर पाएंगे क्योंकि अभी तक खाली हल्क ही है जो सबसे आगे गया है। अब देखना ये होगा कि आयरन मैन कहां तक जाते हैं। ओहो फ्रैंकलिन भैया, आयरन मैन भैया सबके फेवरेट हीरो है और उनकी कार तो देखो क्या ही शानदार लग रही है, ये तो हल्क भैया को पीछे कर ही देंगे। ओहो फ्रैंकलिन भैया, ये तो देखो कितनी ही लंबी छलांग लगाई है। अरे फ्रैंकलिन भैया, पर ये क्या, आयरन मैन भैया तो वहां पे ही छलांग लगा रही हैं जहां पे हल्क भैया लास्ट गई थे। फ्रैंकलिन भैया आपको क्या लगता है ये चैलेंज टाई होने वाला है क्या? अरे हाँ सिंचन, आयरन मैन भी वहां पे गिरा जहां पे हल्क गिरा था। अरे सिंचन मुझे भी यही लग रहा है कि ये चैलेंज होने वाला है क्योंकि अभी खाली आखिरी कंटेस्टेंट बचा है, अगर उसने इन दोनों को पीछे नहीं किया तो ये चैलेंज टाई हो जाएगा। चल सिंचन अब हमारे आखिरी कंटेस्टेंट को बुला। ओहो फ्रैंकलिन भैया, ये देखो ये है मेरा दोस्त छोटू। अरे मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम तो लोहित है, लोहित। ओहो हाँ, मैं भूल गया था फ्रैंकलिन भैया, इसका नाम छोटू नहीं, इसका नाम तो रोहित है। आपको क्या लगता है ये रोहित ये चैलेंज जीत पाएगा और हमारे सारे एवेंजर्स को क्या हरा पाएगा? अरे सिंचन मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि जिन्होंने चैलेंज किया है ना वो लोग एवेंजर्स थे और ये तो छोटा बच्चा है, मुझे नहीं पता कि ये एवेंजर्स को पीछे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं। अरे चलो लोहित, अरे मेरा मतलब है रोहित, चलो अब तुम ये चैलेंज स्टार्ट करो। अरे तीन देखना, ये चैलेंज नहीं जीतूंगा और सब एवेंजर को मैं हला दूंगा और ये एरोप्लेन ओ ताला पेटा मेला ही होगा, मैं सबसे आगे जाऊंगा। ओहो दोस्तों, हमारा रोहित दोस्तों बहुत ही जोश में है, क्या लगता है ये सब एवेंजर्स को हरा पाएगा? अरे दोस्तों ये तो देखो हमारे रोहित ने क्या ही छलांग लगाई है और इसने तो लावा गॉड को भी पीछे कर दिया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, इसने तो हल्क और आयरन मैन दोनों को ही पीछे कर दिया, ये तो बहुत ही आगे जा रहा है। अरे सिंचन छोटे बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, इसने तो सारे एवेंजर्स को पीछे कर दिया।
गया। शिनचैन ये देख, ये तो पानी में से भी बाहर आ गया। गाइस आप देख सकते हो इस छोटे बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, बड़े बड़े एवेंजर्स जो बहुत ही शक्तिशाली है उन सबको हरा दिया और ये मेगा रैम चैलेंज जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे बच्चे ने ये मेगा रैम चैलेंज जीत लिया है और अब इसी को मिलेगा वो गोल्डन प्लेन, बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी और ये तो माला माल होने वाला है। दोस्तों इस बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। अरे वाह, मजा ही आ गया, मैंने तो ये चैलेंज जीत ही लिया। अब तो मेरे पास बहुत ताला पेटा आ जाएगा, फिर तो मैं बहुत सारी आइसक्रीम तली दूंगा। गाइस आज तो मजा ही आ गया क्योंकि इस छोटे बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, महान शक्तिशाली एवेंजर्स को हरा के ये मेगा रैम चैलेंज जीत चुका ये छोटा बच्चा। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कैसा जश्न हो रहा है, हमारे एवेंजर्स भी इस छोटे बच्चे की खुशी में शामिल हो गए, कोई तालियां बजा रहा है, कोई फोटो खींच रहा है और हमारा शिनचैन भी उस छोटे बच्चे के साथ में नाच रहा है जिसका नाम है रोहित। रोहित ने तो आज कमाल ही कर दिया। दोस्तों आज इस मेगा रैम चैलेंज से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है, जैसे इस रोहित ने आज करके दिखाया है। ओहो फ्रैंकल भैया, आप कब तक बोलते रहोगे, चलो चलो हमारे साथ नाचो, बहुत ही मजा आ रहा है। रोहित ने ये चैलेंज जीत लिया है, नाचो नाचो, क्या ही मजा आ रहा है। दोस्तों आपको भी मजा आ रहा है ना? और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ ठीक है शिनचैन। अरे गाइस सब इंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी इंजॉय करूंगा। अरे शिनचैन आप देख मैं कैसे ठुमके लगाता हूँ। ओहो फ्रैंकल भैया, आप तो बहुत ही मस्त डांस कर रहे हो, ये डांस आपने कहाँ से सीखा? वाह वाह फ्रैंकल भैया, मजा ही आ गया, क्या डांस करते हो आप तो। अरे शिनचैन तू देखता जा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ओहो मजा ही आ गया, क्या ही गाना बज रहा है।